नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लियो फिल्म की एडवांस बुकिंग एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, इतनी ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग की, इतनी जबरदस्त, इतनी माइंड ब्लोइंग, इतनी सुपर शब्द कम पड़ रहे हैं। मतलब ये फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और लगता है कि जवान पठान इनकी जितनी भी एडवांस बुकिंग हुई थी वो सारी टूटने वाली है, इनके रिकॉर्ड ही टूटने वाले हैं। मतलब एडवांस बुकिंग ही नहीं, टोटल रिकॉर्ड टूटेंगे। थलापति विजय संजय दत्त, और दोस्तों क्या ये फिल्म, क्या जबरदस्त इसका टीजर ट्रेलर देखने को मिला है। बहुत जबरदस्त हाइप के साथ ये फिल्म आ रही है, और ओवरसीज में भी बहुत जबरदस्त एडवांस बुकिंग फिल्म को हुई है अभी तक। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत भारत में 25 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग फिल्म प्राप्त कर चुकी है, जबकि हिंदी में नाममात्र की शो है। हिंदी में ज्यादा शो नहीं मिले फिल्म को, क्योंकि जो नेशनल थिएटर चैन से चाहे PVR हो, आईनॉक्स और सिनेपॉल्स हो, इनकी एक पॉलिसी होती है कि अगर आप थिएटर्स में फिल्म रिलीज करें तो उसके 2 महीने के बाद में, कम से कम 2 महीने के बाद में आप OTT पर रिलीज कर सकते हैं। लेकिन लियो ने इस रूल को नहीं माना, उन्होंने 28 दिन में ही OTT पर लाने का फैसला किया है फिल्म को, तो यहाँ पे शो नहीं मिलेंगे इनको। तो बहुत कम शोज लियो को मिलने वाले हैं, नेशनल थिएटर चैन में तो मिलेंगे ही नहीं शायद। तो हिंदी में तो कोई मुश्किलें पैदा नहीं करेगी गणपत फिल्म के लिए, और शायद शो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों तमिल में, तेलुगु में, वहां तो दोस्तों कमाल कर रही है। ओवरसीज में तो बहुत ही खतरनाक, मतलब ओपनिंग लेने वाली है ये फिल्म। जवान ने भी नहीं ली होगी, UK में ऑलरेडी जवान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है एडवांस बुकिंग के मामले में, और बाकी अन्य जगह से भी ये रिपोर्ट आ रही है। तो 100 करोड़ से ऊपर का ये मतलब जाने वाला है, इसका पहले फर्स्ट डे है वो। और अभी जो एडवांस बुकिंग है और ओवरसीज की एडवांस बुकिंग मिला ले तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग सुपर है। मतलब फिल्म इतिहास रचने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। आपको बता दूं कि तमिल 2D में 22.85 करोड़ की 22.85 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 11,20,452 टिकट बेचे जा चुके हैं। 200 इसके करीब करीब एवरेज टिकट प्राइस है, और 5,876 शो है, 5,876 शोज है। वहीं दोस्तों तमिल IMAX की बात करें तो 63 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 63 लाख से। और दोस्तों 7,750 टिकट बेचे जा चुके हैं, 980 एवरेज टिकट प्राइस है, 40 शो है IMAX के। और अगर तेलुगु 2D की बात करें तो यहाँ पर भी 19.42 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है दोस्तों, करीब 13,5190 की यहाँ पे एडवांस बुकिंग, मतलब ये टिकट्स बेची जा चुकी है। मतलब 1,35,190 यहाँ पे करीब करीब इसके एवरेज टिकट प्राइस है, और दोस्तों करीब 939 शो है यहाँ पे। और दोस्तों अगर ओवरऑल कर दूं मैं ऑल इंडिया का टोटल, तो 25.44 करोड़ की एडवांस बुकिंग ये कर चुकी है। 25 करोड़, अभी 17 तारीख है, आज का और कल का दिन पूरा है, तो 40 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग जाने वाली है। जवान का रिकॉर्ड टूटने वाला है। टोटल 12,63,432 टिकट्स बेची जा चुकी है, और 6,855 शो है टोटल। NCR में 18% की थिएटरों की वैकेंसी है, 17 शो है, 3 हाउसफुल, 2 फास्ट फिलिंग। मुंबई में 22% की थिएटरों की वैकेंसी है, 80 शो में से 16 शो हाउसफुल, 12 शो फास्ट फिलिंग। बात करें अपन बेंगलुरु की, 60% थिएटरों की वैकेंसी, 905 शो, 450 हाउसफुल, 139 फास्ट फिलिंग। चेन्नई 90% थिएटर ऑक्यूपेंसी, 531 शो, 531 शो में से 499 हाउसफुल हो चुके हैं, 4 शो फास्ट फिलिंग है। ये हालत है लियो की, सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, सब टोटल टूटने वाला है रिकॉर्ड। ओवरसीज को मिलाकर के अगर 100 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग जा सकती है दोस्तों इस फिल्म की, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग का मतलब पहले दिन कम से कम 150 करोड़ का ये फिल्म कलेक्शन कर सकती है। तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, सब चीजें फेल होने वाली है, जवान पठान सब जाने वाले हैं काम से। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोले राम।